दोस्तों आज हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हमने दो एप्लीकेशन का यूज किया है, एक बैकग्राउंड एडिटर, दूसरा पिक्सल लैब। हम अभी बैकग्राउंड एडिटर को ओपन किए हैं। यहाँ से लोड फोटो से फोटो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी एक फोटो उठा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉप कर ले इसे, अगर चाहे तो हम इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, नीचे वो मार्किंग है। अब यहाँ पे हम ऑटो पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे, और ये जो एरो का बटन बना हुआ है इसे अंडो रिडो होता है। आप एक पार्टिकुलर जगह पर ले जाकर ऑटो से करेंगे, और यहाँ पे नीचे तो 31 दिख रहा है, इसे आप मूव करेंगे तो इससे और भी ज़्यादा क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमने फ़ोटो का बैकग्राउंड था उसे हटा दिया है, अब मैनुअली भी इसे हटा लेते हैं और इसे आप दोनों मतलब पिंच करके इसे आप जूम कर सकते हो। तो यहाँ पे कान जैसे ज़्यादा कट गया है, खैर कोई नहीं, इसे हम रिपेयर कर लेंगे। और अभी मैजिक से करने से क्या होता है ना कि इसे मतलब ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत क्लियर कर देती है। अब हम लोग रिपेयर में जाएंगे और यहाँ पे इसका साइज छोटा करेंगे और फिर इसे रिपेयर करेंगे ध्यान से। हाँ, ये हो चुका है, थोड़ा बहुत कान के पास दिख रहा है पीला पीला। खैर, इसे हम लोग मैजिक से ठीक करेंगे। यहाँ पे मैजिक को जाएंगे और मैजिक पे ना मतलब ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं करना है, नहीं तो खोपड़िया उड़ जाती है। ठीक है, तो ऊपर में क्लियर हो गया है और इधर कान के पास थोड़ा बहुत है। हाँ, तो यहाँ पे आप जूम कर लेंगे इसे, और जूम करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। कोई नहीं, ये मैसेज हमारे में आया है। अब ये फ़ोटो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से जो बीजी कलर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो काला में करके कि आपको अच्छा दिख रहा है या नहीं। अब यहाँ पे हम लोग इसे डन कर देंगे। हाँ, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है नंबर, इस नंबर से आप और भी ज़्यादा शार्पनेस ला सकते हो। हाँ ठीक है, अब फिनिश कर सकते हैं, लेकिन हम बैक करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे बैकग्राउंड में कहीं भी कुछ डॉट वगैरह जैसा कहीं भी कोई नहीं छूटा हुआ है। अब हम लोग इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे, उसके बाद ये 3 डॉट पर जाएंगे। यहाँ पर हमें इमेज साइज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 1280x1280 रहता है, यहाँ पे हमें 980 करना है विथ में और हाइट में 1280। ये जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है ये फालतू का होता है, इसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब हम लोग इसकी कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए हम लोग जाएंगे इसमें, और यहाँ पे कलर है तो कलर में नॉर्मली जो कलर चाहिए फ़ोटो बनाने के लिए वाइट, तो हम यहाँ पर वाइट ले लेंगे। ओके, अब हम लोग प्लस आइकन पर जाएंगे, यहाँ पर है शेप्स। शेप्स में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये रेक्टेंगल के शेप में होती है, तो इसे रिसाइज कर लें आप। यहाँ पे 4 डॉट पे करके आप रिसाइज कर सकते हो इसे, तो हमने इसे रिसाइज कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे है कलर, कलर में हम लोगों को चाहिए स्काई कलर, हमने कलर भी ले लिया। अब कलर के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए ब्लैक कलर का, तो ये बीच वाला जो है यहाँ पर स्क्रोल करेंगे हम लोग और फिर से स्ट्रोक में जाएंगे, स्ट्रोक को इनेबल करेंगे। यहाँ पे स्ट्रोक का कलर ब्लैक होना चाहिए और यहाँ पे विथ इसका 2 है, तो हम लोग कर देंगे इसे 3। ओके, अब ये फ़ोटो की फ्रेम अच्छे से बन चुकी है। अब हम लोग जाएंगे प्लस आइकन पे, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी, यहाँ पे इरेजर से या फिर यहाँ से कोई भी जिस फाइल में हो आपका वहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमने इरेजर में फ़ोटो रखा था, यहाँ से इस वाले फ़ोटो को उठाएँगे। यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेना है आपको, जितना रखना है यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो इसे, या फिर कोई भी पार्ट नहीं चाहिए तो आप उसे क्रॉप कर सकते हो। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसे। अब हम लोग इसे फिक्स करेंगे, यहाँ पे चारों कोना को पकड़ के इसे खींचना है, जैसे भी करके आप इसे फिक्स कर दें। हाँ, तो अब हमारी फ़ोटो टोटली फिक्स हो चुकी है। तो ऐसे ही करके आप मतलब किसी भी तरह का फ़ोटो का पासपोर्ट फ़ोटो बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पूरी प्रोसेस भी। मैं इसका जो एप्लीकेशन मैंने जो यूज किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग इसे सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए 3 डॉट पर जाना है और फिर यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो JPG है और PNG है, तो आप यहाँ से क्वालिटी चूज करें। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो कभी PNG मांगा जाता है। अब यहाँ पे क्वालिटी में है कस्टम, वेरी हाई, लार्ज। आपको अगर कम KB में चाहिए तो आप लो को चुनें, नहीं तो मीडियम।
यहाँ पे हम इसे हाई करके सेव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी करना है, फिर ये इसके बाद सेव हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो मतलब पूरी तरह से समझ में आई होगी, और जितना भी डाउनलोडेबल लिंक है ना, मैं वो प्ले स्टोर में जाकर नहीं दिखाया हूँ, तो उसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली प्ले स्टोर में जाकर पिक्सल लैब और फिर बैकग्राउंड इरेजर डाउनलोड कर सकते हो। और इधर का बैकग्राउंड मतलब काफ़ी अच्छा है, और मैं जब भी इधर मतलब शूट करता हूँ स्टार्टिंग से, तो मैं खेत की तरफ ही आकर करता हूँ। खैर बाकी घर का और भी काम होता है, तो मेरे दोस्तों आप लोग अच्छे से रहिएगा, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।